तो सोशल मीडिया के ऊपर अरेस्ट नुपुर शर्मा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर, आप देख सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी रायबरेली सीट से नुपुर शर्मा को टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बाद कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं कि ये बातें झूठी है। लेकिन आप कुछ आर्टिकल देख सकते हैं जो कि न्यूज वेबसाइट की आर्टिकल है, और उसके बाद ये जो ट्रेंड चल रहा है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, जब मैंने आपको बताया कि असल में ये तैयारी चल रही है सोशल मीडिया पे, इसको लेकर जो पीआर टीम है भाजपा की वो तैयारी कर रही है, एक हवा बनाने की कोशिश कर रही है और लोगों को दिखा रही है कि नुपुर शर्मा रायबरेली सीट से लड़ने वाली है। ये मैंने आपको बताया था, तो कुछ लोग इसे झूठ समझ रहे थे, लेकिन आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दरअसल हो क्या रहा है। अब जब ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, जब ये खबर लोगों तक पहुंची, तो उसके बाद अरेस्ट नुपुर शर्मा ये ट्रेंड करने लगा ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं जो आपको दिखा रहा हूं आप इसे गौर से देख सकते हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक हैशटैग आपको दिखाई देता होगा अरेस्ट नुपुर शर्मा। जब इस बात की खबर सामने आ रही है कि नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से टिकट दे सकती है, उसके बाद यहाँ पर एक हवा सा बनाया गया कि नुपुर शर्मा को टिकट मिलने वाला है, पीआर टीम जो है भाजपा की वो एक्टिव हो गई और उसके बाद ये खबर देखने को मिली, उसके बाद बहुत सारे लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में उतर गए, बताया गया कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन उसके बाद जो नुपुर शर्मा के खिलाफ है वो किस तरीके से ये कैंपेन चला रहे हैं, हैशटैग अरेस्ट नुपुर शर्मा, उसके बाद आप देखिए लिखा क्या जा रहा है, अलर्ट बीजेपी गियरिंग अप टू फील्ड नुपुर शर्मा इन लोकसभा इलेक्शन हेयर, पीआर टीम हैज ऑलरेडी स्टार्ट अ कैंपेन, वी वॉन्ट स्टे साइलेंट फॉर द हॉनर ऑफ और प्रॉफिट मोहम्मद विल फ्लड ऑन सोशल मीडिया डिमांडिंग हेयर अरेस्ट, नो जस्टिस नो कॉम्प्रोमाइज, हैशटैग अरेस्ट नुपुर शर्मा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार आपको ये तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक जो कैंपेन चलाया गया इस कैंपेन में यही बताने की कोशिश की गई कि नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने टीम में शामिल कर रही है और लोकसभा इलेक्शन के लिए टिकट देने वाली है रायबरेली सीट से। उसके बाद ये एक हवा उड़ा, उसके बाद आपको मैंने आर्टिकल भी दिखाया। इससे पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया कि नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने की तैयारी कर रही है, हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया उसी वीडियो के नीचे, बताया ये खबर झूठी है। लेकिन आप देख सकते हैं ये खबर जो है वो बिल्कुल सच्ची है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो बीजेपी का लास्ट फाइनल लिस्ट आने वाला है उसमें नुपुर शर्मा का नाम है या फिर नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कैंपेन चलाया गया था वो बिल्कुल सच्चा था, और जो मैंने आपको दिखाया है उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये सच है या फिर झूठ है। लेकिन आप अपनी राय नुपुर शर्मा के बारे में और इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।